हेलो फ्रेंड्स सुनास क्यूटूट चैनल में आप सबका स्वागत है आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा गिर पर्दे का डिज़ाइन जो कि हम इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं एंड फोर्थ पार्ट है ये ठीक है चलिए फिर देख लेते हैं इसमें आगे नेक्स्ट हमको क्या डिज़ाइन बनानी है एंड इसमें क्या वर्क करना है ठीक है देख सकते हैं हमने आपको इसमें बहुत सारा वर्क दिख रहा होगा यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा होगा और बाकी जो इनकम्प्लीट है उसको भी कंप्लीट करना है और इसको डेकोरेट करना है फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपके साथ पम्पम फ्लावर शेयर करेंगे कहाँ पे स्टिच करना है कहाँ पे नहीं क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अपलोड करने में दिक्कत होती है ठीक है तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो कैंट तक तो, और चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट डिजाइन गेट पर डिजाइन दे को देख सकते हैं आप लोग इसका इधर का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है अब इसको डेकोरेट करना बाकी है देख सकते हैं आप लोग ठीक है इससे भी फ्रेंड्स डेकोरेट करना बाकी है ये देखिए पूरा हमने इधर फ्लावर इधर जितनी झाल रहे हमने देखिए डेकोरेट कर लिए ग्रीन वाली यहाँ पे वाइट सॉरी ग्रीन कलर की पम्पम फ्लावर्स को स्टिच करना है 15 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन यानी कि पम्पम फ्लावर वन साइड चाहिए एंड उधर चाहिए और फिर फिफ्टीन वाइट चाहिए क्योंकि जो नीचे दिख रहा होगा आपको और फिर उस साइड भी नीचे उतना ही चाहिए अभी थ्री थ्री जो एक्स्ट्रा झाल रहे हैं इस टाइप में बनाई है ये भी आपके साथ शेयर करना है अभी हमने इसको आपको बताया नहीं किस तरीके से बनाना है ये वाला तो हमने बताया है फिलहाल इसको भी बता देंगे एक ठो बना करके एंड इसे भी बता देंगे ठीक है तो आज की वीडियो में इतना आपके साथ हमको शेयर करना है और उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हमको बस ये लास्ट हो जाएगा इसका डिज़ाइन पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाएंगे देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से तो पूरी झालरे बनाकर के बीच में हमने यहाँ पे देखिए तीन इस तरीके से फ्लावर बनाई है ठीक है ये देखिए इस तरीके से तीन बनाई है एक बीच में और दो साइड साइड से ठीक है और फिर यहाँ भी लगेगा यहाँ भी लगेगा यहाँ भी इस तरीके की झाल रहे इधर भी लगा के कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स बने रही वीडियो के एंड तक और चलिए देख लेते हैं ये ग्रीन वाली झाल रहे एक ये आपको बता देते हैं बना करके और ये वाली झाल बता देते हैं बना करके किस तरीके से बनाना है बहुत ही इजी बहुत सिंपल है वीडियोस आपने देखी होगी मेरे पास इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस हैं तो वहाँ से भी आप देख करके बना सकते है चैनल पे वीडियोस बहुत सारी अपलोड कर दी है मैंने ठीक है टोरन डिजाइन गिट पर्दे का डिज़ाइन थालपोस डिजाइन मतलब जो भी आपको चाहिएगा ना और एक्स्ट्रा भी हैं वहाँ से आप देख करके इसको ईजिली बना सकते हैं तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से इसका हम झालर बनाएंगे आज की वीडियो में देख सकते हैं ये इतना कंप्लीट हो गया है अभी इसको बस डेकोरेट करना बाकी है फ्रेंड्स चलिए डेकोरेशन के लिए भी देख लेते हैं पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का थ्रेड लेंगे सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे सिंपल नॉट लगाइए और इस तरीके से निकाल लेंगे ठूक हमारा वही आप तो देख ही गए होंगे ठीक है फिर यहाँ से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स चेन लिया वन सेवन ले, ले लेते हैं और फिर धागे को इतना खींचेंगे ठीक है और फिर नेक्स्ट नीचे वाले में डाल करके यहाँ पे बना लेंगे देखिये थ्री फोर इतना लेते जाइएगा फ्रेंड्स है ना जितना पफी बनाना होगा उतना एक्स्ट्रा आप थ्रेड रखिएगा तो मालूम चल जाएगा बहुत प्यारा बनेगा और फिर देखिए इसको हाफ कर देंगे इस तरीके से देखिए दोनों साइड में हाफ़ कर देना है और फिर इसके निक, नेक्स्ट नीचे वाला जो होगा ना ये चेन इसमें से डाल करके इस थ्रेड को ला करके देखिए बहुत ध्यान से और इसको इस तरीके से नॉट लगाना है फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स का चेन लेंगे ये देखिए फ्लावर ही तैयार हो जाएगा इस तरीके से ठीक है ना तो फिर धागे को थोड़ा सा खींचना है इतना और फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे हमको बना लेना है इस तरीके से देखिए फिर सेम वही प्रोसेस करना है बस एक को बांध देना है एक को वहीं पे कुछ नहीं करना है इसको ऐसे ही छोड़ देना है देखिए अभी हम दिखा देते हैं आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही ईजी बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स देखिए ठीक है इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से नॉट लगाएंगे यहाँ पर हम वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ले लिया और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से वन इसका कंप्लीट हो गया धागे को थोड़ा सा खींचते हुए जाना है एंड फिर नीचे वाले में यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है उसके बाद से फिर धागे को हाफ ऑफ कर देना है इस तरीके से और फिर इसके नीचे वाले जो चेन होगा ना देखिए जो नीचे वाली चेन होगी इसमें डाल करके इसको निकाल के इस तरीके से और इसमें इस तरीके से नॉट लगा लेंगे ठीक देखिए अभी आपको बन गया होगा ना दिख रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है इस तरीके से तो इस तरीके से पूरी हमको रो लंबी सी बना लेनी है ठीक है उसके बाद से फिर धागे को थोड़ा सा खींचना है और नीचे वाले में यही करते हुए ना हमें सिक्स बना लेने हैं तो सिक्स इस तरीके के फ्लावर्स बना लेने हैं एंड फाइव ये बना लेने हैं जो हमने यहाँ पे पम्प बनाया है देखिए पम्प नहीं जो हमने यहाँ पे पफ बनाया है ठीक है तो इस तरीके से इसको हमें बना करके कंप्लीट करना है बहुत ही इजी एंड सिंपल है फ्रेंड्स और बहुत जल्दी बन जाएगा तो हमने बस थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज करते हुए यहाँ पे हमने ये देखे ठीक है ना इस तरीके से देखिए तो वन टू थ्री फोर और आपको दिखा दें ये देखिए ठीक है बन गया ना इस टाइप में तो देखिए सेम वैसे ही बनाया हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग तो वन वन टू थ्री फोर फाइव बनाया हमने ये पफ और वन टू थ्री फोर फाइव थ्री टू फाइव ये भी फाइव ही बनाया ठीक है तो चलिए फिर देख लेते हैं कैसे इसको स्टिच करना है कैसे क्या करना है ठीक है ना तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये फ्लावर बनाया है ठीक है देखिए यहाँ पे मैंने फ्लावर एक कम कर दिया है इस टाइप का फ्लावर धागे को ज्वाइंट करके हम यहाँ बना लेंगे इसीलिए सिक्स हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया वन टू थ्री फोर फाइव ही बनाना हमने कहा था ना पहले में ही तो यहाँ पे हमारा एक कम हो गया इसको हम बाद में मेंटेन कर लेंगे बना लेंगे अभी ये देखिए इसको भी देख लीजिए सेम वैसे ही इसको भी हमने बनाया है वन देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इतने के बना रहे हैं लड़े भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा दें आपको हम इस उधर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक है यहाँ भी देखिए आपको दिखा दें हम यहाँ भी देखिए इतने का ही हमने बना के रखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो चलिए फिर इसको ज्वाइंट करना देख लेते हैं किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे फिर दिखाते हैं देख आपको. लेते हैं इसको किस तरीके से स्टिच करेंगे देखिए तीनों को हमने एकदम एक बराबर कर लिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग और इसमें बाद में हमको पम्फम फ्लावर से स्टिच करने तो सब बाद में डेकोरेशन करेंगे इसकी पहले चलिए स्टिच कर लेते हैं ठीक है तो और ई वाली झालरी हमने आपको बताई है वाइट वाली ने तो सेम वैसे ही ये ग्रीन वाली झालरी बना करके कंप्लीट करना है ठीक है बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी देख सकते हैं आप लोग सेम वही प्रोसेस देखिए वही झालर दोनों आप देख सकते हैं यहाँ मिला के दोनों वही झाल रहे हैं ठीक है ना तो चलिए फिर देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए कैसे हम इसको ज्वाइंट करेंगे एक साइड में ये देखिए ठीक है इस साइड के हमने यहाँ पे इसको ये जो तोरण पट्टी देख रहे हैं ना आपकी गेट की पट्टी इसी में हमको तीनों साइड में ज्वाइंट करना है तो देखिए जो ये पट्टी देख रहे हैं इसी में इस थ्रेड में इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा करके यहाँ पे बांध देंगे देखिए दोनों साइड से धागे को इस तरीके से बांधेंगे एकदम स्टिच हो जाएगा यहाँ पर धागे को बाद में अभी कट करते हैं पहले हम यहाँ पर इसको लगा लें और तीन तीन साइड में लगा दिया जाएगा उसके बाद से फिर अब हमें ग्रीन वाला ही बना करके यहाँ पर लगाना है ठीक है देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए फिर इधर से हाफ यहाँ पे ठीक है यहाँ पे ला कर के थ्रेड को निकाल लेना है इस तरीके से देखिए अब यहाँ पे फिर नॉट लगा लेना है ठीक है तो देखिए नॉट भी लगा सकते हैं या फिर क्रुचि ठोक इसी में डाल करके ऐसे इस थ्रेड को इसमें से निकाल लेंगे देखिए नॉट लगाने का ज़्यादा बढ़िया तरीका है बंधागा तो और फिर इसी में से डालते हुए फ्रेंड्स ठीक है देखिए इसी में डालते हुए यहाँ से निकालेंगे इनको और थ्रेड को यहाँ पे नॉट फिर लगा लेंगे ठीक है टाइट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट मतलब ऐसा बांधिएगा कि खुले नहीं ठीक है ना टूटे नहीं धागा खुले भी नहीं फिर यहाँ से डालते हुए यहाँ से इसमें से निकाल करके और इसमें एक नॉट लगा लेंगे देखिए बहुत ही ईजी है हो गया है ना टू हमने कंप्लीट कर लिया है ना फिर थर्ड वाले की भी बारी है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये जो थर्ड वाला है इसको यहाँ पे हम स्टिच करेंगे देखिए इस जगह पे ठीक है ना और धागे को इस तरीके से खींचना है निकालते हुए देखिए है ना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स और जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं ठीक है ये देखिए फिर इसी में डालते हुए धागे को इसमे से, इसमें से देखिए इसमें फंस गया ना इसमें से निकाल लेंगे ये इस साइड कर देंगे इसको और फिर इसमें से निकाल लेंगे थ्रेड को देखिए निकल गया यहाँ से फिर इसी में डालते हुए इस थ्रेड को निकालते हुए इसमें नॉट लगाएंगे एक नॉट लगा लेंगे ठीक है ये देखिए और फिर एक और नॉट आप चाहें तो लगा कर और नॉट लगा करके फ्रेंड्स इसको कंप्लीट कर सकते हैं देखिए इसमें डाल के थ्रेड को है ना फ्रेंड्स नॉइस के लिए थोड़ा सा सॉरी चाहेंगे आपसे है ना तो ये देखिए इस तरीके से लगा करके इसको निकाल देंगे ठीक है तो फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया किस तरीके से स्टिच करेंगे धागे को चलिए कट करके दिखा देते हैं आपको बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल है आप जितने भी थ्रेड्स एक्स्ट्रा आपके दिख रहे होंगे ना सब इस तरीके से एक साथ पकड़िए और ये दो थ्रेड्स एक पास हैं इनको भी इस तरीके से पकड़ के हम इस तरीके से नॉट को इस तरीके से थ्रेड्स को कट कर देंगे देखिए धागे को ये देखिए टूरन पट्टी में तीन लगा लिया है इसी के बराबर एकदम ठीक है अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ से हमने टूरन पट्टी में लगा लिया एकदम बराबर तीनों यहीं पर ही देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे थ्री अब यहाँ पे पॉम्पम फ्लावर्स स्टिच करने इसलिए भी हमने धागे को कट नहीं करना है ये वाला यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे उन थ्रेड वाले उस थ्रेड से मिला करके इस थ्रेड को तो यहाँ पे तीन तीन यहाँ पे लगाया है और तीन बीच में लगाया है ठीक है थ्री यानी कि सिक्स बना लेने हैं हमको इस टाइप के देखिए सिक्स बनाएंगे इस टाइप के थोड़े लॉन्ग लॉन्ग ठीक है देखिए ये है थ्री इधर से थ्री इधर से एंड थ्री इधर से इतना हमने इसको बना लेना है ठीक है और उसके बाद से फिर रहे हैं जितना हमने इसमें काम किया है सारा आपको दिख गया होगा टोटल कंप्लीट हो गया है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू तो टाइम मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें कि हम आपको बताएंगे पॉमपम फ्लावर्स बनाना ठीक है और इसको डेकोरेट करना और किस तरीके से इसको हमें नॉट लगाना है किस तरीके से क्या करना है टोटल हम बता देंगे आपको है ना अब इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया उतना एक्स्ट्रा कि जितना कि मतलब आप समझ सकते हो तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय